फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रेसिपी है वो एक सरप्राइज केक की रेसिपी है, जिसे हमने चॉकलेट बिस्किट के साथ बनाया है, वो भी विदाउट मोल्ड के। और इस केक को लंच बॉक्स केक या बेंटो केक भी कहते हैं। अगर हमने फैमिली मेंबर्स या क्लोज फ्रेंड को कुछ यूनिक गिफ्ट करना हो तो इसे हम आराम से कैरी भी कर सकते हैं। तो यहाँ आज हम बेंटो केक तो बनाएंगे ही, साथ ही साथ बचे हुए केक में से हम एक स्वीट एंड क्विक डेजर्ट भी बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं चॉकलेट बिस्किट फ्लेवर बेंटो केक। तो यहाँ सबसे पहले लेंगे हम केक बैटर बनाने के लिए 2 पैकेट हैप्पी हैप्पी बिस्किट। इस केक की प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। अभी हमने लेना है एक मिक्सी जार और इस बिस्किट को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर इस मिक्सी जार में लेकर इसे फाइनली ग्राइंड कर लेंगे। अब इस फाइनली ग्राइंड किए हुए बिस्किट को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। और यहाँ मैंने 1 कप दूध लिया है, जिसे हम इसमें थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। दूध हमने यहाँ नॉर्मल ही यूज़ करना है, ना ठंडा ना गर्म। इसे मिलाते वक्त हम एक साथ दूध नहीं डालेंगे, क्योंकि ऐसा करने से हमने दूध का रेशो कितना है वो पता नहीं चलेगा। इसीलिए हम इसमें स्टेप बाय स्टेप दूध डालते जाएंगे और बैटर मिलाते जाएंगे। अब बैटर हमारा लम्स फ्री हो चुका है, तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून फ्रूट सॉल्ट, और उसे एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा ऊपर से हम दूध ऐड करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ हमारा केक बैटर रेडी है, और इसे बनाने के लिए 1 कप से भी थोड़ा कम दूध लगा है, तो इसे हमने थोड़ा साइड में रखना है। और यहाँ मैंने ये स्क्वायर केक टिन लिया है, जिसे हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब ऑयल से ग्रीस किए हुए केक टिन में हम बैटर को ट्रांसफर कर लेंगे। अब केक टिन को हम 4 से 5 बार टैप करेंगे, ताकि हमारा जो बैटर है वो इक्वली स्प्रेड हो जाए। और यहाँ दूसरी साइड मैंने पहले ही गैस पर कढ़ाई में स्टैंड रख कर कढ़ाई को प्री हीट करने के लिए रख दिया था, मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए, जिसमें हम इस केक टिन को बेक करने के लिए रखेंगे अराउंड 10 मिनट्स के लिए स्लो टू मीडियम फ्लेम पर। अब जब तक हमारा केक बेक हो रहा है, तब तक हम केक क्रीम को बीट कर लेंगे। और यहाँ मैंने 1.5 कप जितनी व्हिप क्रीम ली है। मैं हमेशा केक में ट्रोपोलाइट व्हिप क्रीम ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, ना ही उसमें किसी भी तरह का एडिशन करना पड़ता है। बस व्हिप क्रीम को यूज़ करने से पहले हमने इसे फ्रीजर में से 1 घंटे के लिए बाहर निकाल के रखना होता है, इसके बाद हम इसे यूज़ कर सकते हैं, ताकि वो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में आ जाए और इसे बीट करना आसान हो जाए। तो यहाँ ऑलमोस्ट हमारी क्रीम बीट हो चुकी है, और व्हिप क्रीम को बीट करने में हमें सिर्फ 7 से 8 मिनट ही लगते हैं। अब क्रीम का हमारा टेक्सचर चेंज हो गया है। अब व्हिप क्रीम हमारी यहाँ परफेक्ट बीट हुई है या नहीं, ये हम कैसे चेक करेंगे? बाउल को उल्टा करने के बाद भी ये क्रीम ऐसी ही स्टीफ रहेगी, दैट मीन्स क्रीम हमारी परफेक्ट बीट है, और क्रीम हमने जितनी ली थी उससे भी डबल हो जाएगी। तो यहाँ हमारी व्हिप क्रीम भी रेडी है, जिसे हम फ्रीज में रख देंगे और हम चेक करेंगे हमारे केक को। प्रॉपर 10 से 12 मिनट के बाद हम स्टिक डालकर केक को चेक कर लेंगे। स्टिक हमारी क्लीन निकली है, इसका मतलब है केक हमारा बेक हो चुका है। अब गैस को हम बंद कर देंगे और केक टिन को हम कढ़ाई में से निकालकर प्लेटफॉर्म पर रख देंगे केक को ठंडा करने के लिए। केक बिल्कुल ठंडा हो जाए, इसके बाद हम एक चाकू की सहायता से इसके कॉर्नर्स को निकाल लेंगे और इसे एक प्लेट में डिमोल्ड कर लेंगे। केक टिन को थोड़ा सा टैप भी करेंगे, ताकि केक निकलने में आसानी हो। तो यहाँ हमारा बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बिस्किट केक रेडी है। यहाँ केक की साइड चेंज करके भी हम देखेंगे, दोनों साइड से ये अच्छे तरीके से बेक हुआ है, और इसे पकड़ने के बाद भी ये टूट नहीं रहा है और जालीदार भी दिख रहा है। तो अभी हम इसके राउंड शेप कट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने मीडियम साइज का एक छोटा स्टील वाला बाउल लिया है, जिसे हम केक पर रखेंगे और इसके शेप के हम केक कट कर लेंगे। यहाँ हम मिनी केक बना रहे हैं, इसीलिए हम इसे ऐसा कट कर रहे हैं, अदरवाइज इसे हम ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ मैं 2 राउंड शेप के केक को कट कर लूँगी, और बाकी के बचे हुए पार्ट्स को हम डेजर्ट के फॉर्म में यूज़ करेंगे। अब
फटाफट इस स्मॉल केक बेस को हम एक डिश पर अरेंज करेंगे और इस पर हम शुगर सिरप स्प्रेड करेंगे, जिस तरीके से हम नॉर्मल केक पर करते हैं उसी तरीके से। देन अब हमने जो व्हिप क्रीम को बीट करके रखा था फ्रीज में, उसे हम इक्वली केक बेस पर स्प्रेड करेंगे। क्रीम को इक्वली स्प्रेड करने के बाद हम सेकंड लेयर भी इस पर रखेंगे और इसे भी शुगर सिरप से सोक कर लेंगे। साथ ही साथ इक्वली क्रीम को भी हम स्प्रेड कर लेंगे, इसके साइड्स भी हम सील कर लेंगे। केक बेस को सफिशिएंट हो उतनी क्रीम हम लेते जाएंगे और इसे हो सके उतना हम राउंड शेप बनाते जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं भी कोई प्रोफेशनल बेकर्स नहीं हूँ, पर अगर आपको केक बनाने की या केक फ्रॉस्टिंग करने की प्रैक्टिस हो तो आप इसे मुझसे भी ज़्यादा अच्छा बना सकते हो। तो इस केक को हमने टचअप कर लिया है, इसे सेट होने के लिए हम फ्रिज में रखेंगे। हमारा केक सेट हो जाए इसके बाद हम इसका फाइनल फिनिशिंग करेंगे। तो अब जिस बॉक्स में हम केक रखने वाले हैं वो बेंटो केक के बॉक्स के साइज का हम बटर पेपर कट कर लेंगे। तो यहाँ हमारा केक साइज का बटर पेपर भी रेडी है। तो अब फ्रीज से निकाले हुए केक बेस को हम बटर पेपर के सेंटर में ही शिफ्ट करेंगे और यहाँ मैंने पाइपिंग बैग में व्हिप क्रीम भर ली है, जिससे हम केक का फाइनल फिनिशिंग करेंगे। क्रीम से हम पूरा केक कवर कर लेंगे अच्छे तरीके से। पूरे केक पर अच्छी तरीके से क्रीम लगाने के बाद हम एक स्क्रेपर को यूज़ करेंगे और इसे अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे। वेरी जेंटली हमने इसे टचअप करना है। तो यहाँ हमारा केक का फाइनल फिनिशिंग भी रेडी है, अभी हम इसे डेकोरेट करेंगे। केक हमारा बहुत ही स्मॉल एंड स्वीट है, तो उसकी डेकोरेशन भी हम बहुत ही लाइटली करेंगे। यहाँ मेरे पास कुछ चॉकलेट स्प्रिंकल्स है, जिसे हम हल्के हाथों से केक के साइड्स पर लगा देंगे। एक बार केक की फिनिशिंग हो जाने के बाद आप चाहे वैसा केक को डेकोरेट कर सकते हो। अब इस केक के लिमिटेड स्पेस में हमने छोटी सी स्वीट सी डिज़ाइन बनानी है, जो दिखने में भी अच्छी लगे, इसीलिए हम इसके टॉप पर भी स्प्रिंकल करेंगे और ये बिस्किट्स हम अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। आफ्टरऑल हमारा बिस्किट केक है, इसीलिए बिस्किट की टॉपिंग तो होनी ही चाहिए। तो यहाँ हमारा बहुत ही डिलीशियस और ब्यूटीफुल चॉकलेट बिस्किट बेंटो केक बनकर रेडी है। केक की डिज़ाइन बहुत ही सिंपल है, पर केक शो वेरी एलिगेंट। अब केक को हम आहिस्ता से उठाएंगे और इस बेंटो केक में उसे अच्छे से प्लेस करेंगे। सो अमेजिंग, केक हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। सच में फ्रेंड्स, मैंने सिर्फ आइडिया गैस किया था, पर ये इतना परफेक्ट बनेगा, रियली आई एम सो हैप्पी। पर वो कहते हैं ना, ट्राई टू ट्राई विल बी सक्सेसफुल, ऐसा ही कुछ इस केक में हुआ है। अब बेंटो केक तो यहाँ हमारा रेडी है, तो अभी हम एक डेजर्ट बनाने वाले थे, उसकी हम तैयारी करेंगे। बहुत ही सिंपल है। इस केक को बनाते हुए एक्स्ट्रा क्रीम भी मेरी बची हुई है, तो यहाँ मैं एक ग्लास लूँगी। पहले पाइपिंग बैग से हम इसे अच्छी तरीके से पॉर कर लेंगे, यानी क्रीम का हमने एक लेवल बनाना है। इसके बाद हम उस पर ही स्प्रिंकल करेंगे हमारे केक क्रम को, फिर से उस पर ही लेयर्स करेंगे क्रीम का, अगेन लेयर करेंगे हम केक क्रम्स का। इसी तरीके से हमने केक के 2 लेयर्स और क्रीम के 3 लेयर्स बनाने हैं। तो इसी तरीके से हमने डेजर्ट के 3 लेयर्स बना लिए हैं, तो इसे भी हम अपने बेंटो केक जैसा ही डेकोरेट करेंगे। इसका भी हम टॉपिंग करेंगे चॉकलेट स्प्रिंकल से और चॉकलेट बिस्किट हैप्पी हैप्पी, जिससे केक हमारा बना हुआ है। तो इसी तरीके से हमने ब्यूटीफुली 2 डेजर्ट बनाए हुए हैं, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है, पर दिखने में तो बहुत ही ट्रेंडी है। इसे बनाकर हमने इसे फ्रीज में ही सेट करने के लिए रखना है। फ्रेंड्स, आज हमने बहुत ही इजीली और कम एफर्ट्स लगाकर एक स्मॉल एंड स्वीट बेंटो केक और डेजर्ट को रेडी किया है।
जिसे देखकर बच्चे इसे इमिजिएटली फिनिश करेंगे। और इस लवली बेंटो केक को आप किसी को भी गिफ्ट कर सकते हो और उसे आप खुश कर सकते हो। तो आज की मेरी रेसिपी आपको कैसे लगी? इफ यू लाइक दिस माई रेसिपीज सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो तब तक स्टे ट्यून्ड फूडिस कट्टा कुक विद नीलम।